दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड को लपेटने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया को पहलने से पहले न्यूजीलैंड दिग्गजों का आया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले न्यूजीलैंड दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूजीलैंड दिग्गजों ने दोनों टीमों को देखते हुए तैयारियों के मध्य और सीरीज के शुरू होने से पहले विजेता टीम की घोषणा करते हुए क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। उन्होंने सीरीज के बीच दोनों टीमों को लेकर बयानबाजी करते हुए भविष्यवाणी कर दी है, जिसको सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तो आखिरकार न्यूजीलैंड दिग्गजों ने सीरीज से पहले किस टीम को विजेता घोषित कर दिया, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज भी कहते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम को अगर WTC के फाइनल में पहुंचना है तो यह सीरीज जीतनी होगी। टीम इंडिया को कम से कम 2 टेस्ट जीतने होंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पॉइंट टेबल में भारत फिलहाल दूसरे नंबर पर है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम शीर्ष पर है। ऑस्ट्रेलिया का फाइनल में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है, वहीं दूसरे स्थान के लिए भारत समेत 2 टीमों में टक्कर है। शीर्ष 2 पर रहने वाली टीमें जून में फाइनल खेलेंगी। ऐसे में सीरीज के लिए दोनों टीमें पूरे तरीके से तैयार हैं। जहां पर विरोधी टीम की कमान कैप्टन कमिंस के हाथों में है, तो वहीं भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में है। 9 फरवरी से शुरू हो रहे पहले टेस्ट मुकाबले में दोनों टीमें पूरे तरीके से लग चुकी हैं। ऐसे में पहले मुकाबले की तैयारी के मध्य न्यूजीलैंड दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें रॉस टेलर ने बयान देते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिल जाएगी, क्योंकि भारतीय टीम इस समय काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में है। चाहे उनके खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करें या न करें, लेकिन भारतीय टीम बड़े ही आसानी से जीत दर्ज कर लेती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए कई खिलाड़ी अपने खतरनाक फॉर्म में मौजूद हैं। ऐसे में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देकर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में हराकर नंबर 1 बनने की कोशिश करेगी। इसके अलावा ब्रेंडन मैकलम ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ी अपने खतरनाक फॉर्म में हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो अपने खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में भारत ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट की असली टीम के बारे में पता चल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया को आउट करना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि मुख्य खिलाड़ियों के बाहर होने से भारत मुसीबत में रह सकता है, लेकिन मेरे अनुसार ऑस्ट्रेलिया भारत पर हावी हो जाएगी। इतना ही नहीं, कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज में असली किंग के बारे में पता लग जाएगा। मेरे अनुसार ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों टीमें मजबूत हैं, लेकिन दोनों के बीच इस खतरनाक जंग में भारतीय टीम काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हरा सकती है, तो अपने घर में भारत को जीतने में थोड़ी सी मुश्किल नहीं होगी। ऐसे में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करते हुए सीरीज में जीत दर्ज कर लेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिल पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।